हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की क्लास 7 की वर्कशीट 13 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है सोशल साइंस, पॉलिटिकल साइंस और डेटा। इस वर्कशीट की 9 नवंबर 2020। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर आप अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। तो वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से आप मेरे यूट्यूब चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चों, ताकि जो भी मैं नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तभी के तभी मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में हमारा टॉपिक है इक्वेलिटी, मतलब समानता। तो देखते हैं इसमें, व्हाट इज द फर्स्ट थॉट यू कम्स इन योर माइंड व्हेन यू सी द पिक्चर लाइक दिस। आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आ रहा है जब आप इन सभी पिक्चर्स को देखते हैं? तो आप सबके दिमाग में यही आ रहा होगा कि कुछ इलेक्शन की फोटोज हैं, जिसमें कुछ लेडीज जो हैं वह उन्होंने वोट डाले वो दिखा रही हैं, कुछ लाइन में लगी हुई हैं वोट डालने के लिए, कुछ ये आपका क्या वोटर आईडी कार्ड है और ये आपकी वोट डालने के लिए मशीन है बच्चों। तो इसे भी किसका सीन है, ये वोटर वोट इलेक्शन का सीन है बच्चों। तो आगे हम देखते हैं, इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया ऑल एडल्ट्स इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट रीजन दे बिलोंग टू, हाउ मच एजुकेशन दे हैड, व्हाट कास्ट दे आर एंड वेदर दे आर रिच और पुअर आर अलाउड टू वोट। तो यहाँ पे क्या है, जो भारतीय क्या है एक लोकतंत्र देश है, जहाँ पर सभी वयस्क मतलब सभी जो अडल्ट हैं, चाहे उनका जो धर्म है कुछ भी हो, चाहे उनकी एजुकेशन मतलब उनकी शिक्षा कुछ भी हो, या उनका जो कास्ट है जाति जो भी हो, और या फिर वो अमीर हो या गरीब, सबको क्या है वोट डालने का अधिकार प्राप्त है। दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं बच्चों। 18 ईयर और मोर, अडल्ट का मतलब क्या, जिसकी उम्र 18 साल या उससे अधिक होती है उसको हम बोलते हैं अडल्ट। द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ इक्वलिटी। ये जो आइडिया हमारा यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, ये असमानता के ऊपर बेस है। बिकॉज इट स्टेटेड एवरी अडल्ट इन द कंट्री इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर वेल्थ एंड देयर कम्युनिटी ही और शी बिलोंग टू हैज़ वन वोट। तो इसमें कहा गया कि कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 या 18 साल से अधिक है, वो सभी समान है, चाहे उसके पास कितना भी धन हो या कम हो या ज़्यादा हो, या किसी भी कम्युनिटी से वो बिलोंग करता हो, सबको अपना वोट देने का अधिकार है बच्चों। आगे देखते हैं इसमें, मैनी पीपल इन डेमोक्रेटिक इंडिया मे हैव द राइट टू वोट। सभी जो है भारत में जो डेमोक्रेटिक इंडिया के लोग हैं, सबको वोट डालने का अधिकार है, बट हुज डेली लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन आर फार फ्रॉम इक्वल। लेकिन जो उनकी रोजाना की जिंदगी है वो इक्वलिटी नहीं दिखाती, क्योंकि वो बहुत अलग है दूसरे लोगों से। सो वी कैन से पॉलिटिकली ऑल आर इक्वल बट सोशली इनइक्वलिटी एग्जिस्ट इन मैनी स्फीयर। तो इस बेस पे हम कह सकते हैं कि सभी लोग राजनीतिक रूप से तो बराबर है, लेकिन सामाजिक रूप से बराबर नहीं है। इन द कास्ट वी आर बोर्न इनटू, द रिलीजन वी प्रैक्टिस, द क्लास बैकग्राउंड वी कम फ्रॉम, वेदर वी आर मेल और फीमेल, दीज आर ऑफन द थिंग्स दैट डिटरमाइन व्हाई सम पीपल आर ट्रीटेड अनइक्वली। तो इसमें बताया कि किस किस बेस पे लोगों को असमानता का सामना करना पड़ता है। कुछ लोगों को अपने बैकग्राउंड की वजह से, कि वो अमीर है या गरीब है, कुछ लोगों के मेल फीमेल की वजह से इनइक्वलिटी फेस करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये सभी क्या है, इनइक्वलिटी हमारे समाज में फैली हुई है बच्चों। तो यहाँ पे क्या सोशल इनइक्वलिटी की आपको दिखाई गई किस किस बेस पे होते, कास्ट के बेस पे, जाति के बेस पे, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, लिंग पे मेल और फीमेल के बीच में भेदभाव किया जाता है, और इकोनॉमिक स्टेटस अमीर और गरीब के बीच में भी भेदभाव किया जाता है। तो ये सभी किसकी एग्जांपल बच्चों, सोशल इनइक्वालिटी के। आगे देखते हैं, व्हेन पर्संस आर ट्रीटेड अनइक्वली, जब लोगों को असमान रूप से व्यवहार या ट्रीट किया जाता है, देयर डिग्निटी इज वायलेटेड, तो उनकी जो गरिमा होती है उसको बहुत ज़्यादा ठेस पहुँचती है। एवरीवन डिजर्व द सेम रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी, हर एक को सेम मतलब एक तरह का सम्मान चाहिए और एक तरह का गरिमा अपने जीवन में चाहिए बच्चों। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया, इन द 1975 फिल्म दीवार, ए बॉय हु वर्क एज ए शू शाइन, एक लड़का जो कि जूते चमकाने का काम करता था, वो मना कर देता है टू पिक अप ए क्वाइन थ्रोन एट हिम, उस सिक्के को उठाने के लिए जो उसके ऊपर फेंका गया था। He feels that there is dignity in the work that he does. तो उसको लगता था कि उसके काम की भी एक गरिमा है, उसके काम की भी एक वैल्यू है।
एंड इंसिस्ट डेट हिज फीस बी गिवन रिस्पेक्टिवली, और उसने उसको कहा कि उसकी जो कीमत है वो एक सम्मान पूर्वक तरीके से दी जाए। ठीक है बच्चों, ये आपने देखी होगी दीवार मूवी जिसमें अमिताभ बच्चन ये कहता है कि वो फेंके हुए पैसे नहीं उठाता है। आगे देखते हैं अडल्ट। अडल्ट क्या है? ए पर्सन ऑफ एज 18 ईयर और मोर, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी आयु जो है 18 वर्ष उससे अधिक है उसको हम बोलते हैं अडल्ट। इक्वलिटी द स्टेट ऑफ बींग इक्वल एक्सेप्शनल इन स्टेटस राइट और अपॉर्चुनिटी, जब हमें राइट मतलब अधिकार बराबर दी जाए और अवसर समान दी जाए तो उसको हम बोलते हैं इक्वलिटी। डिग्निटी, दिस रेफर्स टू द थिंकिंग ऑफ वन सेल्फ एंड अदर पर्सन एज वर्थी एंड रिस्पेक्ट, ये वो कहलाता है जिसमें हम अपने आप को और अपने सामने वाले को सम्मान देते हैं और रिस्पेक्ट देते हैं बच्चों। डेमोक्रेटिक, ए गवर्नमेंट इन विच द सुप्रीम पावर इज वेस्टेड इन द पीपल एंड एक्सरसाइज बाय देम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू ए सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन। डेमोक्रेटिक वो होता है जिसमें सारी जो पावर होती है लोगों के पास होती है या उनके द्वारा चुने गए लोगों के पास होती है बच्चों, और इसमें हमारे एंड यूजली इन्वॉल्विंग पॉलिटिकली हेल्ड फ्री इलेक्शन, और इसमें टाइम टू टाइम इलेक्शन होते हैं बच्चों, तो उसको हम बोलते हैं डेमोक्रेटिक। अब हम इस वर्कशीट के क्वेश्चन से करेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट है डिफाइन यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में आपको बताना है, तो इसका आंसर ये है, ये आपकी हेडिंग है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। आंसर इसका ये, एनी पर्सन हुज एज इज 18 ईयर और मोर देन 18 हैज राइट टू कास्ट देयर वोट, तो ऐसा व्यक्ति जिसकी एज 18 है या फिर 18 साल से अधिक है उसको क्या वोट डालने का अधिकार है, इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट रीजन दे बिलोंग टू, इसके बावजूद कि वो किस रीजन से बिलोंग करता है, उसकी क्या एजुकेशन है और क्या उसकी जाति है और क्या वो अमीर है या गरीब, उन सबको फिर भी वोट डालने का अधिकार है, उसको हम बोलते हैं एडल्ट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बच्चों। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कैन यू कास्ट वोट इन इलेक्शन इफ नॉट वाई, क्या आप इलेक्शन में वोट डाल सकते हैं, अगर नहीं तो क्यों, तो यहाँ पे आंसर इसका नो आई कांट कास्ट माई वोट इन इलेक्शन, नहीं मैं अपना वोट नहीं डाल सकता इलेक्शन में, क्योंकि आप 7th क्लास के हो तो आपकी एज 18 साल से कम ही होगी, तो मैं आपके हिसाब से लिख रही हूँ इसको कि नहीं मैं अपना वोट इलेक्शन में नहीं डाल सकता बिकॉज आई एम अंडर 18, क्योंकि मेरी जो एज है वो 18 साल से कम है, सो आई कांट कास्ट माई वोट, इसलिए मैं अपना वोट नहीं डाल सकता। वेन एवर आई विल बी ऑफ 18 ईयर, जब भी मैं 18 साल का हो जाऊँगा आई विल डेफिनेटली कास्ट माई वोट, मैं संभवतः अपना वोट डालूंगा। तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है बच्चों, तो आप अपना कंप्लीट कर लेना। तो ये वर्कशीट हमारी कंप्लीट हो गई है बच्चों, अगर आपको समझ में आई अच्छी लगी है तो इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और मेरे यूट्यूब चैनल ऋषि कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूले बच्चों। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।